Thank God हम finally pass हो गए यार. मुझे तो dissection से बहुत ही घबराहट होती थी. तू भी बड़ा अजीब किस्म का medical student है यार. अगर मुर्दों से इतना डर लगता है तो फिर जिंदा आदमी कैसे काटेगा तुम्हें? तू पहला सर्जन होगा जो ऑपरेशन से डरता है. सर्जन तो मुझे बनना ही नहीं है, मुझे तो साइकियाट्री या ऐसा कुछ करना है. असल में मुझे इस चीर फाड़ से कोई डर नहीं लगता, लेकिन ये मुर्दा शरीर देखकर उनके चेहरे, उनकी आंखें, यार ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. दिन में मैं डिसेक्शन कर लेता हूँ, लेकिन रात के वक्त कहीं कर जाना पड़ जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाती थी. कभी ये भी चलते फिरते हंसते बोलते लोग थे यार, क्या पता इनका भूत भूत क्या भूत भूत है ये भूत भूत सब बेकार की बातें हैं. इनसे क्या डर रहा है यार, क्या बिगाड़ लेंगे मुर्दे तेरा? मुझे तो डर लगता है बॉस. मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. अच्छा, पक्का बोल रहा ना? हाँ. या फिर यूं ही हाँक रहा है? क्या मतलब? नहीं तो बातें तो बड़े दिलेरे की कर रहा, लेकिन तुझमें है इतनी हिम्मत? अगर रात को यही मुर्दे मिल जाएंगे ना तो फूट सरक जाएगी तेरी. अबे चल, दिमाग ठीक है तेरा? हर हफ्ते इनका डिसेक्शन करता था ना, कभी डरा? अरे यार मैं रात की बात कर रहा हूँ. डिसेक्शन तो हम लोग दिन में करते थे, 20 और लोग साथ में होते थे, लेकिन रात की बात एकदम अलग है यार. ओहो, तो क्या चाहता है तू? तुझे प्रूव करके दिखा दूंगी मुझे डर नहीं लगता. अगर सचमुच तेरे में जिगरा है तो आज रात को इस बिल्डिंग में जाकर इन मुर्दों को छू कर वापस आना होगा. करके दिखाऊंगा. कितने की शर्त लगाता? एज यूजुअल 100 रुपए की. लेकिन हाँ, इन मुर्दों के हाथों पर जो नंबर लगे हुए हैं सबूत के तौर पर, तू मुझे वो लाके दिखाएगा तभी मानूंगा मैं. कुछ नहीं होगा, मुर्दा ही. एक्सीडेंट से मरा लगता है. कोई बात नहीं अश्विन, बस 3 मुर्दे और हैं. हार गया सर, चल निकाल मेरे 100 रुपए. चलो निकालो निकालो.
एक्चुअली शर्त ज्यादा की लगानी चाहिए थी, इतना तो मेरा नौकर ही ले जाएगा। नौकर? वही तो बना था मुर्दा, लेकिन तूने तो उसी का हाथ तोड़ दिया। लकीली कुछ हुआ नहीं, पर एक बात है, तू है एक नंबर का उल्लू। मतलब तूने सचमुच मान लिया कि मुर्दा जिंदा हो गया है? अबे मैं मानता हूँ मैं डर गया था, लेकिन मेरी जगह तू होता तो तू भी डर जाता। अच्छा, मेरा बहाना बनाकर अब तू ये मत बता कि तू डरपोक नहीं है। तो तुम किसी चीज से नहीं डरते? हाँ, नहीं डरता मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, भूत प्रेतों से भी नहीं। भूतों से डरना तो दूर, उन पर विश्वास भी नहीं करता। क्यों, मैं तुम्हारी तरह हूँ क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा, हंसो मत। क्या तुम वाकई भूत प्रेतों से नहीं डरते? अरे मैं तो जिंदा आदमियों से नहीं डरता, फिर उनसे क्यों डरूं जो मर चुके हैं? हाँ तो ठीक है, क्या तुम मेरी दादी के भूत बंगले में एक रात गुजार सकते हो? क्यों नहीं, क्या मैं तेरे दादी के भूत से डरता हूँ? लगता है उस रात के बाद से तेरा भेजा उलट गया है। सिर्फ मेरी दादी का भूत ही नहीं, और भी बहुत कुछ है वहां पर। छोड़ यार मोहन, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। बकवास मत कर यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो लगी शर्त? कितने की? 500 रुपए की। 500 रुपए? पागल है क्या? 500 रुपए अगर कल 12 बजे से लेकर तू वहां पर सुबह 7 बजे तक टिक सकता है तो। ओके। अरे तू आ गया, मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। तूने क्या सोचा मैं डर जाऊंगा तुझसे और तेरी भूत बंगले से? कौन कितने पानी में है ये सुबह देखेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलो, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ रुकना भी खतरनाक है। अभी भी कह रहा हूँ बॉस, शर्त को मारो गोली, यहाँ से निकल चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। देख देख देख, तुझे जाना तू चला जा, मुझे 500 रुपए कमाना है। चल चले, दिखा दो तुम्हें रहना कहाँ है। ओए कहाँ जा रहा है? अरे इधर चलो। जगह किधर है? चल फिर इधर। ये क्या है? हाथों के धब्बे हैं, खून से सने, 20 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी ताजा हैं। नहीं दिखता मुझे। कमरा मत देखो, यहां जो कुछ घटा था वो देखना, अभी तो सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद नौके ऊपर तो हो गया बस। मोहन, तुमने हमारा वो 2 बेडरूम का फ्लैट तो देखा है ना? कभी सोचा कि इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर हम उस 2 बेडरूम के फ्लैट में क्यों रहते हैं?
अपनी मर्जी की बात है यार। और वैसे भी ये टूटी फूटी हवेली को रिपेयर करने में लाखों रुपए लग जाएंगे तुम्हारे यार। वो तो हम इसे बेच भी सकते हैं। बेच भी तो सकते हैं हम इसे। क्यों नहीं बेची? क्योंकि कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश की हमने। आधी रात के बाद यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। कोई नहीं रह सकता यहाँ आधी रात के बाद। यहाँ पर भूत प्रेत आते हैं। कोई नहीं रह सकता यहाँ आधी रात के बाद। आते हैं कोई कहानी वानी तो होगी, बता ना। बताता हूँ। यह हवेली आज से 200 साल पहले मेरे बाप दादाओं ने बनवाई थी। हम सब लोग यहाँ एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे। मेरी दादी, मेरे ताया जी और उनकी दो बेटियाँ, मेरे माँ बाप और मैं। फिर अचानक एक दिन हमारी दादी चल गई और मेरे पिताजी ने एक फ्लैट खरीद लिया। हम लोग उसमें शिफ्ट कर गए। मेरे ताया जी ने तय किया कि वो लोग यहीं रहेंगे। उनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी की उम्र 25 साल की थी और वो ड्रेस डिजाइनर थी। छोटी स्टूडेंट सिर्फ 17 साल की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक रात से 20 साल पहले तुझे कैसा लगा? नेहा, क्या हुआ? मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी सारी लिपस्टिक बर्बाद कर रही हो। कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, ब्राउन या पिंक? नेहा, अजीब बहन हो तुम। आई एम आस्किंग यू समथिंग और तुम ध्यान ही नहीं ले रही हो। सॉरी, बस बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। जैसी लिपस्टिक लगाई है ना, उससे ना तुम अच्छी लग रही हो और ना बुरी। हाँ देखो बेटे, मैं अभी निकल रहा हूँ, कल सुबह तक लौट आऊंगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ओके? आप चिंता न करें डैडी, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। अरे इसे अकेली छोड़ के जाना होता तब चिंता होती मुझे। तू तो है ना, तू तो मेरी समझदार बेटी है। और देखो अगर भूख लगे तो उसे दे देना, कुछ बना देगी एकदम, ठीक है? और हाँ, वो गैस बंद करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? रिलैक्स डैडी, हम तो बच्चे हैं। मेरे लिए तो बच्चे ही हो। नहीं, रात को कौन हो सकता है? मैं नीचे जाके देखता हूँ। नमस्ते राजन साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर सावंत, आप इस समय? आइए आइए, अंदर आइए। इट्स ओके, एक इमरजेंसी हो गई है, उसी के बारे में आपको बताने आया। क्या हुआ? वो यहाँ से 5 मील दूर जो विश्राम बाग मेंटल होम है, वहाँ से एक खूनी पागल छूट कर भाग गया है और हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। खूनी पागल? जी हाँ, 5 साल पहले उसने अपनी बीवी और बेटी का गला काट दिया था और तभी उसे हमने बंद कर दिया था। पता नहीं आज रात कैसे वो छूट कर भाग गया। हमें शक है कि वो इसी एरिया में, और हमारी खोजबीन भी जारी है और हम सबको आगाह कर रहे हैं कि आज रात सतर्क रहें और अपने दरवाजे अच्छी तरह से बंद रखें। लेकिन मैं तो अभी निकल रहा था, मुझे अंबे गांव में बहुत जरूरी काम है। आप जाना कैंसिल नहीं कर सकते? जी नहीं, मेरा काम तो रात को ही होना है, लेकिन अब सोचता हूँ कैसे जाऊँ। डैडी आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना डैडी, आप जाइए। लेकिन मैं कैसे जाऊँ भाई, तुम दोनों यहाँ अकेली हो और वो बाहर वो पागल खूनी घूम रहा है। हम दरवाजे को अंदर से ताला लगा लेंगे और सुबह तक नहीं खोलेंगे, प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए राजन साहब, देखिए अगर आपको जाना है तो जरूर जाइए।
आर यू श्योर मूवी श्योर तो ठीक है तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कुंडी चढ़ा लो और किसी के कहने पर भी नहीं खोलो डोंट वरी डैडी हम सर से आइए राजा खाने के बाद सीधे सोने जाओ मैं जाकर शावर लेकर आती हूँ ठीक है मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी वो पागल यहाँ आ गया तो नहीं आएगा चलो खा लो पूर्वी वो आ गया तो नहीं आएगा चलो खा लो मैं शावर लेकर आती हूँ कैसे सो मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी इसमें डरने की क्या बात है मैं हूं ना हाँ कुछ भी नहीं हुआ है सिर्फ बिजली गई है कहीं वो पागल तो नहीं हाँ वो पागल ही भाग रहा है उसी ने तारे काट दिए नहीं तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रही है अब तुम सो जाओ वैसे भी तुम्हें बिजली बंद करके सोने की आदत है ये समझो कि तुमने बत्तियां बुझा दी है थोड़ी देर बाद सुबह होगी फिर कोई डर करने की बात नहीं है डरने की कोई बात नहीं मैंने मोमबत्ती जला दी है ये कैसी आवाज थी पूर्वी शायद कोई दरवाजा खटखटा रहा है नेहा घबराओ मत मैं जाकर देखती हूँ है वहां बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मैं जरा नीचे जाकर देखती हूँ मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ पूर्वी कुछ भी नहीं होगा मुझे बहुत डर लग रहा है नेहा संभालो अपने आप को शायद डैडी होंगे हमने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है उन्हें अंदर आना होगा क्या पता कुछ भूल गए हो मैं जरा जाकर देखती हूँ नहीं हो सकता है वही पागल हो मुझे मरना नहीं है पूर्वी मैं मरना नहीं चाहती तो क्या सुबह तक डैडी बाहर खड़े रहेंगे अच्छा मैं एक काम करती हूँ मैं बाहर जाती हूँ तो तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो उसने तुम्हें मार दिया और मेरे पीछे आ गया तो कुछ भी नहीं होगा जब तक वो अपना नाम नहीं बताएगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी फिर मैं ऊपर आऊंगी और तुम दरवाजा खोल लेना तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आई हो जब तक तुम मेरा नाम नहीं सुनो ना तुम दरवाजा नहीं खोलना ठीक नेहा घबराना मत जब तक मैं ना हूं दरवाजा मत खोलना तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले Thank you.
डैडी आप हैं क्या? बोलिए ना, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। कौन है? उस दिन रात के ठीक 12 बजे के बाद घटी थी। उस दिन से आज तक इस कमरे में उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाजें होती हैं और पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। अच्छी कहानी गढ़ी तूने, पर मैं तेरी कहानी से डरने वाला नहीं हूं। तू क्या सोचता है कि तू मुझे डरा देगा तो मैं डर जाऊंगा ताकि तू मुझे रात को आके फिर डराए? समझता हूँ मैं तेरी चालें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज 12 बजने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम खुद ही देख लेना हकीकत क्या है। 12 बजे तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।